हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अभियान। गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मार्टिकल स्टेप्स के ऊपर। मतलब काफी सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं सर, मार्टिकल स्टेप कब फॉलो करें। यानी आज की जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्टिकल स्टेप, कितनी इन्वेस्टमेंट पे आप ले सकते हैं, कब तक मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, मार्टिकल स्टेप्स होते क्या है, यानी मार्टिकल प्रिंसिपल क्या होता है, एंटी मार्टिकल क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। यानी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट रखते हो $100 या उससे कम का, तो आपको मार्टिकल को जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्टिकल को फॉलो करते हो तो प्रॉफिट वहां से ले पाते हो या नहीं ले पाते, यानी क्या कंडीशंस हैं और किस तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपका वर्कआउट करता है, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक अभी कर दो यार वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपका एक लाइक इक्वल्स टू एप्रिसिएशन, यानी मेरी मेहनत को जो आपकी तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है वो बहुत प्यार मिलता है और उसकी वजह से आगे आने वाले वीडियोज के जो पार्ट है उसको बनाने में मजा जरूर आता है। तो लाइक अभी कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्पेस अभी स्पेस फैमिली और आप वहां से भी हो सकते हो। चलिए गाइस, बताते हैं आप मार्टिकल स्टेप्स के बारे में। तो मार्टिकल स्टेप्स प्रिंसिपल होता क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, मार्टिकल स्टेप प्रिंसिपल है एक काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल, जैसे हमने फिजिक्स की जो बुक्स हैं उनमें पहले ही पढ़ चुके हैं 10th 12th के अंदर, तो वो जो प्रिंसिपल होते थे उससे स्लाइटली डिफरेंट है। मार्टिकल इन द सेंस हमें क्या करना होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ प्लान बनाने होते हैं कि किस बेसिस पे हम जो है ट्रेड जो है उसको सेलेक्ट करें। यानी आप रेंडमली ट्रेड नहीं ले सकते कि $1 की ट्रेड ली, फिर $5 की, फिर $10 की, फिर आपने 15 के ले ली, फिर 50 के ले, नहीं। आपको एक कैलकुलेशन बेसिस पे चलना पड़ता है। सपोज कीजिए आपका इन्वेस्टमेंट $100 है, तो क्या मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करोगे आप? बिल्कुल नहीं। मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $150 से $200 के बीच में होना चाहिए या ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मार्टिकल को फॉलो करते टाइम अगर हमारे वर्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक झटके में चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपका अकाउंट बैलेंस बचेगा जीरो। रीजन, उसका रीजन क्या है कि अगर आप एक ट्रेड हारोगे उसके बाद बड़ी ट्रेड हो गया, और सपोज करो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर अगर आप 8 से 10 ट्रेड कंटिन्यूअसली हार जाते हो तो क्या होगा, अगर इतना ट्रेड आप कंटिन्यूअसली हार जाओगे तो बेसिकली आपका जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा मार्टिकल को फॉलो करते हुए। मार्टिकल तब तक फॉलो करो जब तक आप उसे फॉलो कर सकते हो, ये चीज आपको समझनी है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सपोज करो आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है $100 का है, तो आप मार्टिकल को फॉलो करना चाहते हो तो 1 to 5 तक करो, इससे आगे मत जाओ। मार्टिकल स्टेप्स में बताता हूँ, बहुत प्यारे मार्टिकल स्टेप्स हैं, अगर आप छोटी से लेके चलना चाहते हो तो स्टार्ट बताता हूँ आपको। आपको मार्टिकल पे जाना है 1, then 2, then 5, then 11, then 26, लेकिन इतना भी तब जाओ जब आपके $500 के आसपास लिक्विडिटी हो। अगर आपके पास लिक्विडिटी छोटी होगी स्मॉल होगी तो आपको करना क्या है, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है 1, 5, 11, 1 के बाद 2, then 5, then 11 तक ही जाना है। अगर आप 11 की भी हार जाते हो लकीली आपके पास, अगर आप लकीली जीत जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जीतते वो हार जाते हो तो आपको एंटी मार्टिकल यूज करना है। अब बात करेंगे एंटी मार्टिकल क्या है। एंटी मार्टिकल स्टेप्स का मतलब है आपको फिर से वापस से स्टार्टिंग से आना है, यानी 1 से वापस आ जाना है, ताकि आप धीरे धीरे करके पुराने लॉस को कवर कर सको। ये चीजें होती है, अगर आप उसे कवर करना चाहते हो तो एंटी मार्टिकल स्टेप्स के जरिए कर सकते हो। तो काफी सारे क्वेश्चन है रिगार्डिंग मुझसे पूछे जाते हैं कि मार्टिकल स्टेप्स कब फॉलो करें, किन परिस्थितियों में या किस सिचुएशन में हम फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो मार्टिकल स्टेप्स को, बट द कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं, उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो बड़ा होना चाहिए, और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा छोटे अकाउंट के साथ आप मार्टिकल को फॉलो करें, क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेता हूं मेरे अकाउंट की बात करते हैं तो बड़ा अकाउंट है, लेकिन फिर भी मैं $1 से ट्रेड स्टार्ट करता हूं। रीजन सेम है, 1% का टारगेट रखो पर डे, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जाओगे, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है बाइनरी ऑप्शन से आपका पैसा कमाने का, सीरियसली फ्रेंकली आई एम सेइंग। गाइज, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, मार्टिकल स्टेप्स थोड़े से आपको क्लियर हुए होंगे कि क्या होता है मार्टिकल और किस तरीके से इसको वर्कआउट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू आप अपने जो बैलेंस है लिक्विडिटी है उसके हिसाब से। तो लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे, चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, किसका वेट करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपको सबसे पहले नहीं मिलेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल पे जरूर कर देना उसे। और अब बात करते हैं, अगर आपने कमेंट नहीं किया, अगर कमेंट किया करो, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और जो इंपॉर्टेंट लगते हैं जो अच्छे लगते हैं उसका रिप्लाई भी मैं जरूर करता हूँ। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, साथ बने रहना, प्यार बनाए रखना अपना और चैनल के साथ जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय।